हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित है। एमपीपीएससी के बाद यह सबसे बड़ी वैकेंसी है और मध्य प्रदेश में ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें विभिन्न पद के बारे में। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, पद का नेम, ग्रुप, यहाँ पर कैटेगरी वाइज पद, यहाँ पर पे स्केल दी गई है, जिसमें लाइब्रेरियन, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी, यूडीसी सहित विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। विभिन्न पद की बात करें तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एक पद है, लाइब्रेरियन के एक पद हैं, इसी तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कुल चार पद हैं। हिंदी ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सिस्टम एनालिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर के आठ पद हैं और टेक्निकल ऑफिसर के तीन पद हैं। रिमेनिंग एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के दो पद हैं, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, LDC के लिए 47 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, कुक के लिए एक पद हैं और लाइब्रेरी अटेंडेंट के कुल पाँच पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट के 35 पद हैं। इस तरह से कुल 140 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो आवेदन आया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में आया है। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। सभी पद सरकारी है, कुछ पद को छोड़ दें तो बाकी रिमेनिंग पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का जो पद है ऑन डेपुटेशन बेसिस पे हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी पदों के बारे में, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि के बारे में। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2023 है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। साथ ही इस चैनल द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें इस एडवर्टाइजमेंट को सेंड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए मास्टर डिग्री 55% हैं। इसके साथ में संबंधित सब्जेक्ट में 15 साल का एक्सपीरियंस है। एज लिमिट अधिकतम 57 साल हैं। लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन में UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 56 साल एज लिमिट है और सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा डिटेल जानकारी आपको देखना है। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए एज लिमिट 40 साल है और फर्स्ट डिवीजन ME/MTech कंप्यूटर साइंस वाले या इंजीनियरिंग फील्ड में आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री में 55% अंक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी ऑफिसर के लिए जो पद है इसमें क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री है संबंधित सब्जेक्ट में या करके बहुत सारे डिटेल जानकारी दी है। सिस्टम एनालिसिस के लिए भी BTech में आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस है संबंधित सब्जेक्ट में। टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में, 5 साल का एक्सपीरियंस। सेक्शन ऑफिसर के लिए एज लिमिट 40 साल है और मास्टर डिग्री है, यानी UGC के अकॉर्डिंग इसमें क्वालिफिकेशन है। इस पद के लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में कि इस पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क कितना लग रहा है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। SC/ST PWX सर्विस मैन और वोमेन के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट पर जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर